हेलो हेलो, हेलो सर, क्या क्या हाल चल रहा है? चाल? कैसे हो? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस अभी क्लास खत्म करके आया हूँ। मैंने एलएलडी पढ़ा हुआ। डिजाइन क्या पढ़ा रहता है निंडी में? पैटर्न चल रहे हैं भाई, डिजाइन पैटर्न पढ़ा रहे हैं, मेहनत चल रही है। और बताओ, सही है। एक न्यूज़ थी और यार, बैंगलोर बैंगलोर भी न्यूज? सही है। बट अच्छा, क्या न्यूज है भाई? बस बैंगलोर अब एक्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए हैं। भाई सही है क्या? सही है, नहीं यार, नहीं सही तो बेटा में। तुम सारे झूठ दोगे तो काम कौन करेगा फिर भाई? तो अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है मान लेते हैं, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, झूठ बोल रहा हूँ। हाँ अगर छोड़ दी है तो फिर वो वाली वीडियो का आवाज है कि क्या मेरे दरवाजे पे आके रुकी, क्या आपने बोला हमें छोड़ दे हैं, छोड़ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। बता रहे हो भाई? सही में छोड़ दी क्या? तो सही में छोड़ दी। फिर ठीक है, तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। आई एम रेजिग्नेशन स्पेशलिस्ट, वो तो भी करवाए हैं तो इसका क्रेडिट मैं ले लूंगा कि मैंने करवाया, मेरी वजह से हुआ है, ये भी मैं करवाया। सही है, सही है, पर सही ठीक है, क्या करने का प्लान है फिर? कोर्स अगर तो है। पहले से कर ही रहे हो, देखो ये तो है नहीं कि कोर्स में घुसने वाले हो, पहले से जानते ही हो ना, उसके अलावा क्या करने वाले हो? चलो बताता हूँ। कभी कभी कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सही वक्त पे कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं। ये वाली लाइन मेरे दिमाग में बहुत टाइम तक घूम रही थी व्हेन आई डिसाइडेड कि फाइनली आई शुड रिजाइन। बट व्हाई डिड आई एक्चुअली रिजाइन? पैसे कम मिल रहे थे, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, मजा नहीं आ रहा था, या क्या? एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। वॉच इट टिल द एंड। बाकी एक और चीज, मैंने आप लोगों के लिए जॉब नहीं छोड़ी है। मेरे को पढ़ाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है जिसके लिए मैंने जॉब छोड़ी है। आई टुक अ लीप ऑफ फेथ। एंड क्यों छोड़ी है, क्या करने के लिए छोड़ी है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। व्हाई एम आई मोटिवेटिंग अदर्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब मैं खुद छोड़ रहा हूँ ये जॉब? मोस्ट ऑफ द पीपल कांट अफोर्ड टू लीव देयर जॉब्स। बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। 2 साल पहले आई वॉज एट द सेम लेवल। मेरे को भी यही था, बिकॉज मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मैंने भी हार्डशिप्स देखे हैं, मैंने भी देखा है कि कैसे पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं। एंड मैं 2 साल पहले ड्रीम भी नहीं कर सकता था कि आई लीव माइक्रोसॉफ्ट एंड स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। बट आई कैन डू इट नाउ बिकॉज आई एम फाइनेंशियली एंड मेंटली स्ट्रांग इनफ कि यार मैं ये लीप ऑफ फेथ ले सकता हूँ। आई कैन ऑलवेज कम बैक टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर मेरे को 6 से 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में समझ आता है कि यार नहीं, ये जो मैं आइडिया पर वर्क कर रहा हूँ, जिस चीज़ पर मैं वर्क कर रहा हूँ, वो नहीं वर्कआउट करेगी। आई कैन ऑलवेज कम बैक। एंड इसलिए मैं मोटिवेट करता हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी गुड फील्ड टू गेट इन टू। टेक में पैसा है, टेक में पैसा रहेगा, एंड जितनी जल्दी ये चीज़ आप समझ जाओ उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर फर्स्ट 10 कमेंट्स जो आप लोगों के आने वाले हैं कि तुझसे काम ही नहीं होता था इसलिए तूने जॉब छोड़ दिया। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ। दिस वॉज माई फर्स्ट ईयर का लाइक रेटिंग कह लो, इंक्रीमेंट कह लो, जो भी हो तुम कह लो। एंड इट वॉज 18+ out of 20। अगर किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय से, किसी भी इंजनरल किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय से जाके पूछोगे ना, तो ये रेटिंग ना एक्सेप्शनल कही जाती है। ठीक है, एक्सेप्शनल मतलब जो तुमने काम दिया गया है तुमने वो किया है, जो तुम्हें काम नहीं दिया गया है तुमने वो भी किया है। एंड दिस वॉज द टाइम वेन आई डेंट हैव अ टीम फॉर यूट्यूब। जब मैं अकेला सारी चीज़ें कर रहा होता था, मैं यूट्यूब की वीडियोज खुद एडिट करता था, खुद रिकॉर्ड करता था, खुद स्क्रिप्टिंग करता था, सारी चीज़ें खुद करता था, एंड साथ में आई वॉज वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट। सो ये उस साल का है, तो ये तो तुम रहने दो, ये कमेंट्स को करना है करो भाई, बट काम मेरे को आता है करना एंड मैं काम अच्छा करता था। एंड एक जब की बात है, जब मेरे को iOS डेवलपमेंट का आया भी नहीं आता था, सारी चीज़ें खुद से सीखी, यूट्यूब भी मैनेज किया, काम भी किया, बहुत सारी चीज़ें करी, एंड आई रियली लव डूइंग एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। तो जो पहला तुम लोगों का कमेंट आने वाला है कि काम नहीं होता था सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दी, वो तुम ये देखो एंड अपना कमेंट टाइप करने से पहले डिलीट कर दो। सेकेंड ईयर के टाइम पे यार कोई भी इंक्रीमेंट नहीं था बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला का मेल आया था। ये अनाउंस दैट इस साल हम AI में हेविली इन्वेस्ट करने वाले हैं, जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हुए हैं हम AI में इन्वेस्ट करेंगे। तो जो इंक्रीमेंट हमारा इंक्रीमेंट वाला फंड होता है, ठीक है, वो हम किसी को नहीं दे रहे हैं। जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी हैं, चाहे वो CEO हो चाहे कोई भी हो, किसी को इंक्रीमेंट्स नहीं मिले थे। एंड दिस वॉज माई लाइक लास्ट ईयर, जब लास्ट ईयर वाला बोनस वगैरह अनाउंस हुआ था, इंक्रीमेंट वगैरह अनाउंस हुए थे, उस टाइम पे किसी भी इंप्लॉय को इंक्रीमेंट नहीं मिला था। एंड इसी टाइम पे यार आई स्टार्टेड आल्गो प्रेप। ठीक है, सुबेश रीच्ड आउट टू मी, उसकी भी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एंड वी स्टार्टेड आल्गो प्रेप। सो आई वॉज गिविंग टाइम टू यूट्यूब, आल्गो प्रेप एंड माइक्रोसॉफ्ट। उस टाइम पे भी जो मेरी रेटिंग आई थी दैट वॉज एवरेज एंड नॉट बैड। ठीक है, तो उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अब आते हैं व्हाई वी स्टार्टेड आल्गो प्रेप। सो यार लास्ट ईयर अप्रैल की बात है, सुबेश रीच्ड आउट टू मी। मेरा एक स्कूल का कोचिंग का एक अच्छा दोस्त था, उसके थ्रू सुबेश ने रीच आउट किया था मेरा कॉन्टैक्ट वगैरह लेके। एंड ही टोल्ड मी दिस आइडिया, ही टोल्ड मी व्हाई ही वॉन्ट्स टू डू इट, एंड आई वॉज लाइक कि बढ़िया है। मैंने कभी भी ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, आई एक्सेप्ट इट। मेरे को पढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, मेरे को मज़ा नहीं आता है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, दैट आई नो। ये फैक्ट है, मेरे को भी पता है, आप लोगों को भी पता है।
मैंने क्वारंटाइन एक स्टार्ट किया था चैनल, बहुत अच्छा रिएक्शन आया था, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस पसंद करी थी, बट आफ्टर डूइंग दैट फॉर 3 months, 4 months आई रियलाइज किया नहीं यार दिस इज समथिंग विच आई कांट डू फॉर एवर, विच आई कांट डू बार 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 बार, एंड मेरे को नहीं पसंद. इसलिए आई नेवर लॉन्च अ कोर्स, आई नेवर लाइक मेड अ कोर्स ऑफ माई ओन. बट जब सुबेश ने रीच आउट किया, ही टोल्ड मी ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्कूल इन हिज होम टाउन, बिहार में वो रहता है, बिहार में उसको स्कूल बनाना है, उसका ड्रीम है. इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आल्गो प्रेप वॉज अ वे जिससे हम इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं. तो आइडिया अच्छा था, देर वॉज अ कॉज अटैच टू इट, एंड सुबेश को 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है टीचिंग का. पहले ही वॉज वर्किंग एट पेप कोडिंग, देन ही वर्क एट स्केलर, एंड करंटली ही इज वर्किंग एट गूगल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स या फिर टीचर्स जो आपको पढ़ा सकता है फ्री में. आप देख सकते हो हमने आल्गो प्रेप वाले यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है जावा वाली, जिसमें आपको जावा में DSA पूरा सिखाया गया है. तो वहाँ से आपको देख के समझ आ जाएगा कि YSIDS. तो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स ने यार सुबेश से पढ़ा हुआ था, तो मेरे को टीचिंग पर पूरा भरोसा था कि यार ये पढ़ाता तो बढ़िया ही है. जब ये पेप कोडिंग में था, जब ही यूज टू टीच स्टूडेंट्स फॉर NSIT, DTU, IGDTU एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो काफ़ी सारे मेरे दोस्त थे, तो मेरे को रिव्यूज़ वगैरह मिले हुए थे, एंड आई जेन्युइनली लाइक न्यू कि ये पढ़ाएगा तो बहुत बढ़िया. उस जगह पर कभी टेंशन नहीं आने वाली है. अभी कोड फॉर DSA प्रेप चल रहा है, 30 April से आपकी फर्स्ट क्लास होने वाली है. अगर आप अभी तक एनरोल नहीं किया तो जाके जल्दी से एनरोल कर लेना. आई रियली वॉन्ट टू सी यू इन द फर्स्ट क्लास, एंड यार क्वालिटी टॉप नॉच होने वाली है, सारी चीज़ें आपको मस्त मिलेंगी एकदम, जो जो चीज़ें प्रॉमिस करी उससे ज़्यादा ही मिलता है. सो आई विल सी यू इन द फर्स्ट क्लास. अब नेक्स्ट आ जाते हैं यार कि मेरे को तो निकाल दिया गया, मैंने रिजाइन किया ही नहीं है. ये सब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ये सब आप लोगों को लग रहा होगा, राइट? सो हेयर इज द स्क्रीनशॉट ऑफ माई रेजिग्नेशन लेटर. सबसे पहले मैंने अपने M2 से बात करी थी, उसके बाद मैंने अपने M1 से करी थी. अब M2 M1 क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ. M1 इज योर डायरेक्ट मैनेजर जिससे आप रिपोर्ट कर रहे होते हो, M2 इज उनका मैनेजर जो बेसिकली मल्टीपल टीम्स को हेड कर रहे होते हैं. तो आई बीन वर्किंग विद माई M2 फॉर मोर देन 2.5 years नाउ. ही वॉज माई फर्स्ट M2 एंड उनके साथ मैं हमेशा से कनेक्टेड था. ही हेल्प मी अलॉट, ही पुश मी अलॉट. जब भी मेरे को किसी ने हेल्प चाहिए होती थी, उन्होंने मेरे को हमेशा हेल्प किया है. He always like supported me for YouTube as well, and thank you so much for it. Like I don't know he'll watch it or not, but उनका बहुत ज़्यादा support है to like helping me creating content with my full time job. And अगर शायद कोई और अगर मेरे M2 होते तो मैं शायद ये चीज़ नहीं कर पाता इतने अच्छे से. So yeah, really grateful and thankful for it. And जो मेरे M1 थे वो recently change हुए थे. I was working in a different team. I recently shifted to a new team, and वहाँ पे I have not interacted with him a lot. 3 महीने 2 महीने ही हमने साथ में काम किया था, सो इतना ज़्यादा नहीं जानते थे. तो आई डिसाइडेड टू लाइक टॉक टू माई M2 फर्स्ट एंड देन माई M1. अब लास्ट एक और चीज़ होगी यार, प्रमोशन नहीं मिला तुम्हें 3 साल हो गए हैं काम करते हुए कंपनी में, SD2 नहीं बने तुम, तो इसको भी आंसर कर देते हैं यार. अब प्रमोशन के ना मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी में. किसी भी एम्प्लॉय से पूछोगे तुम्हें समझ आ जाएगा. एंड अगर तुम अभी कॉलेज में हो तो तुम्हें लगता होगा कि भाई क्या ही है, राइट? बट वेन यू विल ज्वाइन कॉर्पोरेट यू विल अंडरस्टैंड देर आर मल्टीपल फैक्टर्स लाइक जिस पर आपका प्रमोशन डिपेंडेंट होता है. माइक्रोसॉफ्ट में लेवल्स होते हैं, सो आप स्टार्ट करते हो 59 से, देन 60 होता है, 59-60 SG1 ही होते हैं, देन होता है 61-62, देन होता है 63-64, 61-62 SG2 होते हैं, 63-64 SG3 होते हैं. इतना ही समझते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लेवल्स होते हैं. तो आई गॉट प्रमोटेड टू 60 एक साल के अंदर ही. मेरे मैनेजर ने मेरे को 9 महीने में ही प्रमोशन के लिए पुश कर दिया था, बट कुछ बजट कंस्ट्रेंट्स वगैरह के चक्कर में वो उस साइकिल में नहीं हुआ, 1 quarter बाद हुआ. सो आई गॉट प्रमोटेड इन अ ईयर. तो मेरा जो प्रमोशन था जो मैंने लेटर दिखाया था वो सारा आपने देख लिया स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट आते हैं SD2 वाले प्रमोशन में. अब जब तुम देख रहे हो रिसेशन चल रहा है, कंपनीज फायर कर रही हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं, इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट इज हेविली इन्वेस्टिंग इन AI, तो जो बजट्स होते हैं ना यार वो कंपेरेटिवली कम हो जाते हैं. जब आपके बजट्स कम हो जाते हैं तो प्रमोशंस भी, नंबर ऑफ प्रमोशन भी कम हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें उन चीज़ों पे भी, उन सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं. एंड जो प्रमोशंस होते हैं वो आपके M1 M2 लेवल पे नहीं होते हैं, वो आपके मैनेजर के मैनेजर के मैनेजर के लेवल पे होते हैं, ठीक है? ग्रुप इंजीनियरिंग प्रिंसिपल मैनेजर जैसे कुछ बड़ा सा नाम होता है, बट दोज आर M3s, ठीक है? वो पार्टनर लेवल पे होता है, उनके अंडर आपको बजट्स मिलते हैं, उनको बजट्स मिलते हैं, उनके अंडर सारे प्रमोशन वगैरह हो रहे होते हैं. उनके अंडर देयर कैन बी लाइक हंड्रेड ऑफ टीम्स, एंड हंड्रेड ऑफ टीम्स में से कुछ लोगों को प्रमोट किया जाता है. सो इट्स टफ, इट्स डिफिकल्ट, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर तुमने अपना काम कंप्लीट किया तो तुम प्रमोट हो जाओगे. तुम अपना काम कंप्लीट करोगे तब भी हो सकता है, तुमने अपना बेस्ट दिया तब भी हो सकता है कि ना प्रमोट हो. बाकी नेक्स्ट चीज़ आ जाती है यार कि आई वॉज वर्किंग एट PIM, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट करके टीम थी. वो जब AI में कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो उस वाली चीज़ को थोड़ा सा बैक
डोर दिखा दिया, थोड़ा सा पीछे रख दिया कि ये वाला प्रोजेक्ट अभी के लिए शट डाउन करते हैं, हम 3 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं बट वी आर नॉट गेटिंग इनफ रिजल्ट्स एंड आर होल टीम का काम शिफ्टेड टू समथिंग न्यू, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, ये सारा ट्रांजिशन लास्ट जुलाई के बाद हुआ था, 3-4 महीने इसमें ट्रांजिशन में लग गए। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, मैंने जनवरी दिसंबर में टीम वीम शिफ्ट करी, तो इस सब में बहुत सारा टाइम चला गया। एंड इस सब के बीच में जब तुम्हारी टीम शिफ्ट होती है, तुम्हारा काम सफल होता है, तुम इम्पैक्ट नहीं दिखा सकते ज़्यादा, और जब तक तुम इम्पैक्ट नहीं दिखाओगे तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। सो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि यार प्रमोशन मिल जाता, इफ आई वुड हैव स्टेड 6 more months आई वुड हैव पुट इन अ लिटिल मोर एफर्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, मिल जाता। बट आई डिसाइडेड टू लीव माई जॉब टू वर्क ऑन समथिंग विच आई वुड बी प्राउड ऑफ इन द नेक्स्ट 1 or 2 years एंड ठीक है, लीप ऑफ फेथ लिया है, नहीं मिला प्रमोशन तो क्या हो, काम अपनी तरफ से हमने हमेशा अच्छे से किया। अब आ जाते हैं जिस चीज़ के लिए तुम्हें वीडियो देख रहे हो, वाई आई रिजाइंड बट आई बी वर्किंग ऑन। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ यार, आई बीन मैनेजिंग अ टीम ऑफ 5 people फॉर द लास्ट 1 year। मैंने अपनी YouTube की टीम लास्ट ईयर फरवरी के आसपास बनाई थी, उनके साथ काम किया है, मेहनत करी है, सारी चीज़ें सेटल करी हैं। आई बीन मेकिंग कॉन्टेंट ऑन 5-6 platforms या चैनल्स राइट नाउ, 2 Instagram, 2-3 YouTube, इसके अलावा LinkedIn, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से कंटेंट बन रहा है। तो कंटेंट को स्ट्रीमलाइन करना, कैसे प्रोसेसेस सेटल करने हैं, सारी चीज़ें करनी है, इसमें टाइम जाता है एंड आई पुट इन एफर्ट्स। अब मेरी टीम इतनी अच्छी हो गई है कि मैं बैठता हूँ रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद मेरे को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इस लेवल पे लाने के लिए यार इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, हमने वो लगाया है, मेहनत करी है। आई हैव लर्न लीडरशिप प्रिंसिपल्स, आई हैव लर्न लीड कैसे करते हैं टीम को, काम करवाते कैसे हैं, खुश कैसे रखते हैं, सारी चीज़ें सीखी है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। तो मैं देखता हूँ ना, मैं छुट्टी पे हूँ एंड चीज़ें अपने आप हो रही होती हैं, प्रोसेस अपने आप चल रही होती हैं, इट मेक्स मी रियली प्राउड कि हाँ यार आई हैव अचीव समथिंग। अकेले करना इज ईजी, टीम से करवाना इज डिफिकल्ट। जब ये चीज़ तुम सीख जाओगे ना भाई, बढ़िया हो जाएगा। अब आ जाते हैं यार व्हाई आई एम लेफ्ट। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं एक स्टार्टअप पे काम कर रहा था 7-8 महीने से एंड वो स्टार्टअप अब एक अच्छी स्टेज पे आ चुका है। हमारा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट डिसेंट लेवल पे बिल्ड हो चुका है, काफ़ी जल्दी रिलीज भी होने वाला है। हमने अपनी बेसिक एंजल फंडिंग भी ले ली है, थोड़ी सी फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू लिया है। सीड राउंड के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं, काफ़ी जगह और अप्लाई करने वाले हैं। सो इट वॉज अ टाइम वेन द स्टार्टअप नीडेड मोर ऑफ माई टाइम। लाइक अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में 8 घंटे दे रहा हूँ, 7 घंटे दे रहा हूँ, तो वो वाला टाइम मेरा स्टार्टअप से जा रहा था एंड चीज़ों को डीले कर रहा था, प्रोसेस को डीले कर रहा था। सो आई डिसाइडेड कि नहीं यार, ये वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी लाइफ में, अगर मैं ये चीज़ कर लूँगा तो मे बी इट विल हैव मच बिगर आउटपुट आउटकम्स फॉर मी एज वेल एज द कम्युनिटी। तो हमने छोड़ दिया है। जेई नीट प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ काफ़ी अमेजिंग चीज़ आने वाली है एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ फ्री, पैसे नहीं लिए जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट, नीचे लिंक है वेबसाइट का, जाके आप वेट लिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एंड या वी आर लॉन्चिंग इट प्रिटी सोन, सुपर एक्साइटेड फॉर इट। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है एक एक UI के एलिमेंट में, एक एक चीज़ में, कैसी चीज़ें वर्क करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड यार लास्ट 7-8 महीने में इसी चीज़ पे लगे हुए हैं। इसके साथ साथ यार AlgoPrep चल ही रहा था, सो सेकंड चीज़ दैट आई बी वर्किंग ऑन, दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन इज AlgoPrep। AlgoPrep इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस टीचर्स मिल जाते हैं, 5 साल से ज़्यादा उनको टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। ऐसा नहीं है बस इन्फ्लुएंसर्स टर्नड इनटू अ टीचर, they have been teaching for a long time, they know how to teach something, they know कैसे चीज़ें समझ आती हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ानी होती हैं, साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। तो ये वाली सारी चीज़ें यार जब पैकेज करके आपको मिल रही होती है ना, तो आपको 3 lakh, 1.5 lakh, 2 lakh वाले प्राइस पॉइंट में मिल रही होती है एंड द AlgoPrep कोर्सेज आर एट अ फ्रैक्शन ऑफ इट। तो इतना सारा एक्सपीरियंस अगर लेके आना होता है तो फ्री में आना डिफिकल्ट होता है। स्टिल वी ट्राई टू प्रोवाइड थिंग्स फॉर फ्री एज वेल। AlgoPrep वाले यूट्यूब चैनल पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करी हुई है और भी बहुत सारी आती रहेंगी साथ साथ, बट पेड कोर्सेज चलेंगे बिकॉज मैं खुद नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव मल्टीपल टीचर्स विद मी जो पढ़ा रहे होते हैं एंड उनको लाना, उनको ऑनबोर्ड करना इज डिफिकल्ट, नहीं तो कोई भी बड़ा एडटेक नहीं जा सकता है। तो ट्रस्ट फैक्टर, उनको नर्चर करना, उनके साथ काम करना, उनके साथ ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोर्सेज आते रहेंगे, कोर्सेज चलते रहेंगे। नेक्स्ट चीज़ है AlgoPrep पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज, पेड रिसोर्सेज आते रहेंगे, पेड कोर्सेज भी आएंगे, बंद नहीं होंगे। अगर आप खरीदना है तो खरीदो, अगर आपको गाली देनी है तो दो, वी डोंट केयर। हम अपनी तरफ से 100% से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने के ट्राई करते हैं। अगर किसी ने पैसे दिए हैं उस चीज़ के तो वी ट्राई टू गिव आर 110%, कि यार उनको कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। एंड किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको जाके ये नहीं दिखेगा कि यार AlgoPrep के स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज हैप्पी, चाहे वो सिस्टम डिज़ाइन का कोर्स हो, चाहे वो DSA का कोर्स, चाहे कुछ और भी हो। जितना हम प्रॉमिस करते हैं उससे ज़्यादा ही डिलीवर करने का ट्राई करते हैं
एंड वील कंटिन्यू डूइंग दैट. बाकी यस, पैसे कमाता हूँ यार. कोर्सेज अगर सेल कर रहे हैं तो देर इज मनी इन इट एंड आई बीन अर्निंग थ्रू दिस एज वेल. बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जितना मैंने यूट्यूब से लास्ट ईयर कमाया उससे कमी मैंने एल्गो प्रेप से कमाया. एंड दैट वेन जब मैंने ब्रांड एडटेक वाले प्रमोशन करने बिल्कुल बंद कर दिए. जितना मैं यूट्यूब और कॉन्टेंट क्रिएशन से कमा रहा हूँ दैट इज मोर देन एल्गो प्रेप एट दिस मोमेंट. एंड आई डोंट नो, ट्राई करेंगे कि एल्गो प्रेप को और ऊपर ले जाने का फॉर श्योर. बट दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द रियालिटी. एंड यार कोर्सेज में मैं नहीं कमा रहा हूँ इतना बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपकी और इंस्ट्रक्टर्स के पास भी जाती हैं. मेरे पास काफ़ी कमी अमाउंट उस चीज़ का आ रहा होता है फाइनली, बिकॉज आपको टीम भी हैंडल करनी होती है, आपको टेक भी हैंडल करना होता है, आपको इंस्ट्रक्टर्स को भी खुश रखना होता है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं. इसके साथ साथ यार फ्री रिसोर्सेज पर काम करते रहेंगे, बहुत अमेजिंग फ्री रिसोर्सेज आते रहेंगे. एल्गो प्रेप वाले यूट्यूब चैनल को बिल्ड करते रहेंगे. आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने का प्लान है कि बस एल्गो प्रेप पे गए, जिस चीज़ की प्रेप करनी है आइए रखिए, ठीक है. इसलिए उसका नाम एल्गो प्रेप है. बाकी स्टार्टेड दिस फॉर अ कॉज ऑलरेडी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ. सुबेश का जो सपना है वो पूरा करेंगे एंड उस पर हम काम करते रहेंगे और इंस्ट्रक्टर्स भी लाते रहेंगे और टीचर्स भी लाते रहेंगे. थर्ड चीज़ आती है यूट्यूब. स्टार्टिंग से मैंने यूट्यूब किया है, स्टार्टिंग से जो मेरी पर्सनालिटी है काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई है, जितने मैंने कनेक्शन बनाए हैं, नेटवर्किंग करी है, सब यूट्यूब के थ्रू ही करी है एंड आई विल कंटिन्यू इट फॉर श्योर. मेरे को मज़ा आता है लोगों से बात करने में, मेरे को मज़ा आता है नेटवर्किंग इवेंट्स में जाने में एंड आई विल स्टार्ट गोइंग टू मोर कॉलेज इवेंट्स नाउ. एंड अभी बहुत सारे कॉलेज इवेंट्स प्लान भी हैं, मैं जाने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैंने ज़्यादा कॉलेज इवेंट्स नहीं किए थे बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट व्हेन आई वाज डूइंग अ फुल टाइम जॉब. टाइम निकालना, वीक डेज पे जाना, वीकेंड्स पर यूट्यूब कॉन्टेंट के लिए करना डिफिकल्ट होता था, राइट. अब मेरे पास टाइम है, टाइम मैं अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं रिमोटली कर सकता हूँ. सो आई विल कम टू अ लॉट ऑफ कॉलेज इवेंट्स, आई विल सी यू गाइज देयर, आई वुड लव टू मीट यू इन पर्सन. बाकी यूट्यूब पर हम अपना कॉन्टेंट बनाते रहेंगे. मल्टीपल सोशल मीडिया चैनल्स हैं, मैं बता देता हूँ सब पे क्या चीज़ होने वाली है. सबसे पहले एल्गो प्रेप को यूट्यूब चैनल्स पर फ्री कॉन्टेंट आता रहेगा. मेरे साइड से इतना ज़्यादा शायद ना आए बट इंस्ट्रक्टर्स के थ्रू आता रहेगा एंड मैं उस चीज़ को प्रमोट करता रहूँगा. नेक्स्ट चीज़ है हमारा ये वाला चैनल जिस पर हमने रिजाइन वीडियो डाली हुई है. दिस विल कीप ऑन गोइंग, कंटिन्यू रहेगा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ये सारी चीज़ें आपको इस टाइप का आपको यहाँ पर कॉन्टेंट मिलता रहेगा. इसके साथ साथ आई रिसेंटली स्टार्टेड अ चैनल जहाँ पर मैं 11th-12th वाले लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, ठीक है. उसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे. आई वॉन्ट टू बिल्ड दैट ऑडियंस सेपरेटली एंड उस पर अच्छे से काम चल रहा है. फिर चौथा हमारा जो चैनल है दैट इज़ क्यूरियस स्टार, वहाँ पे हम जो जल्दी से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना कि कोई जॉब ओपनिंग आई या फिर कोई टेस्ट आने वाला है जिसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, वहाँ पे वो सारी चीज़ें आती है. एंड फाइनली यार ब्लॉग्स बनाएंगे. अगर घूमेंगे फिरेंगे, ट्रैवल वॉज ऑलवेज अ ड्रीम, ट्रैवल करना मेरे को हमेशा से पसंद है, तो मैं नहीं चाहता हूँ गाइडेंस एंड ब्लॉग्स को मिक्स करना, तो वो नहीं होगा यहाँ पे. ब्लॉग्स के अलग अलग चैनल हमने पहले ही बना दिया था, उसमें मोस्टली शॉर्ट चल रहा था बट वील लाइक मेक मोर ब्लॉग्स देयर एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है यार उसमें भी. एंड फाइनली जो लास्ट एक चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ इज़ एक्सपोटेंट. ये कॉन्टेंट मार्केटिंग एजेंसी टाइप आप समझ सकते हो, बट यहाँ पे आपको एडिटिंग वगैरह नहीं मिलती हैं, बेसिकली आइडियाज़ मिलते हैं. 3 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स ग्रो करे हैं. अपना मेन चैनल ऑलमोस्ट 400K होने वाला है, क्यूरियस स्टार 90K के आसपास है, एल्गो प्रेप 40K से ज़्यादा हो चुका है, हमारे लिंक्डइन पे 450K के अराउंड फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 2 अकाउंट्स हैं, दोनों ऑलमोस्ट 100K हैं, 100K से ज़्यादा, 100K से थोड़ा सा कम है. तो आई नो हाउ टू बिल्ड इन ऑडियंस एंड ये वाली जो नॉलेज है, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, आई वॉन्ट टू हेल्प अदर ब्रांड्स, आई वॉन्ट टू हेल्प अदर क्रिएटर्स और इवन फाउंडर्स टू डू द सेम. आइडियाज़ में हेल्प करेंगे, नॉट लाइक एडिटिंग में क्या करना है, ये क्या करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आइडिएशन, कैसे आप चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करना, उस चीज़ में हम आपको हेल्प करने वाले हैं. एंड ये भी मैं अकेले नहीं करने वाला हूँ, इसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे. बट दीज आर द 4 थिंग्स दैट आई विल बी फोकसिंग ऑन नाउ आफ्टर लीविंग माइक्रोसॉफ्ट, आफ्टर लीविंग माई जॉब. और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ. बाकी माई टारगेट ऑडियंस इज यार 17-22-23 एज, जिनको मैं एक अच्छे कॉलेज के लिए गाइड कर सकूँ, जिनको मैं एक अच्छी जॉब स्टार्ट करने के लिए गाइड कर सकूँ. वंस यू लैंड अ जॉब आई थिंक आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन टू गाइड यू. मैं बस आपको जॉब लेने तक, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने तक गाइड करूँगा. सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनना है वो आप लोगों को सिखा सकता हूँ, अच्छा कैसे बनना है शायद देर आर बेटर पीपल टू टीच यू दैट. एंड आई ऑलवेज से गया जिस चीज़ में मैं अच्छा, मैं वही करने का ट्राई करूँगा. आई एम गुड एट टेलिंग यू कौन सा कॉलेज आपको जाना चाहिए, कैसे आपको कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आप लोगों को एक जॉब लेनी चाहिए. इनिशियल स्टेजेस ऑफ जॉब में मैं हेल्प कर सकता हूँ, कैसे चीज़ें समझ ना आ रही हो तो कैसे उन चीज़ों पर काम करना है, लोगों को कैसे रीच आउट करना है. एंड इसके साथ साथ हम क्यूरियस स्टार जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे भी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, 30 डेज 30 कॉर्पोरेट लर्निंग्स,
तीन साल ऑलमोस्ट मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, तो जो मेरी लर्निंग्स हैं, जो मेरी चीज़ें हैं, वो मैं एक 30 डेज की सीरीज में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जाके फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे भी आपको मिलती रहेंगी। एंड यस, आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब एंड कोर्सेज, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज वर्किंग टू अर्न मनी, किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, किसी को बुद्धू नहीं बना रहे हैं, बेटिंग ऐप्स प्रमोट नहीं कर रहे हैं, गलत स्कीम्स प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जेन्युइन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, जेन्युइन प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता हूँ। बहुत सारी ऐसी कंपनीज मेरे पास आती हैं जो बोलते हैं कि यार तुम नहीं यूज़ करते हो तो भी कर दो, बट आई नेवर प्रमोट एनीथिंग विच आई एम नॉट यूजिंग माई सेल्फ, या जिस चीज़ पर मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। आप पूरी 3 साल की हिस्ट्री में देख लोगे, मैंने बहुत लिमिटेड ब्रांड्स के साथ काम किया है, बहुत लिमिटेड एडटेक्स के साथ काम किया है। मेरे को हर रोज़ किसी नए एडटेक का मेल आता था, बट मैं नहीं करता था, बिकॉज मेरे को उनका विजन पसंद नहीं आता था या उनका तरीका पसंद नहीं आता था। मैंने बहुत लिमिटेड लोगों के साथ ही काम किया थ्रू आउट माई होल जर्नी। सो ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट, एंड जिस चीज़ में खुद बिलीव करते हो ना, उसी चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, उसी को अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए। एंड आई हैव बीन लिविंग ऑन दिस लाइक थ्रू आउट माई थ्री एंड हाफ ईयर्स के कॉन्टेंट जर्नी। बाकी यार एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में हमेशा से चल रही थी लास्ट कुछ टाइम से, यार अभी अगर मैंने रिस्क नहीं लिया तो आई वुड रिग्रेट 10 ईयर्स लेटर, यार काश उस टाइम मैंने जॉब छोड़ दी होती, काश मैंने जो मेरा आइडिया था उस पर काम करना शुरू कर दिया होता, या फिर मैंने उसको ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया होता। एंड आई डिडंट वॉन्ट टू हैव दिस रिग्रेट। जब मैं अपने मैनेजर के साथ भी बात कर रहा था रेजिग्नेशन का, बता रहा था उन्हें, जब उन्होंने मेरे साथ मीटिंग करी थी, सो ही वाज लाइक कि निशांत कुछ भी ऐसी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ टू लाइक कीप यू, एंड आई सेड कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू रिग्रेट दिस डिसीजन, आई डोंट वॉन्ट अ प्रमोशन, आई डोंट वॉन्ट माई सैलरी हाइक, आई जस्ट वॉन्ट टू रिजाइन, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन समथिंग दैट आई वुड बी प्राउड ऑफ। एंड ही सेड कि अगर तुम्हें वापस कभी माइक्रोसॉफ्ट में आना हो तो मेरे को बता देना, आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू आउट, नो इशूज एंड नो हार्ड फीलिंग्स, क्योंकि भाई किसी को निकाला थोड़ी है, काम करते थे अपना, एंड आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड। बाकी करते रहेंगे मेहनत यार, पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है, एंड एथिकली पैसे कमाना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनएथिकली कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट वील स्टिक टू लाइक अर्निंग मनी एथिकली। बाकी यू गाइज हैव बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी, यू गाइज आर लाइक माई फैमिली, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, ट्रोल करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट भी करेंगे, आई विल एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम, आई डोंट माइंड। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने गलत किया तो तुम बोलो गलत किया, तुम्हें लग रहा है सही किया है, ऑल द बेस्ट, तो थैंक्स फॉर इट। बाकी आई थिंक आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट्स, आई हैव नॉट मेड अ सिनेमैटिक वीडियो फॉर यू कि मैं आप लोगों के लिए जॉब छोड़ रहा हूँ, या फिर ये रीज़न है मेरे को कोर्सेज बेचने हैं, कोर्स खरीद लो। आई हैव बीन ट्रू टू यू थ्रू आउट दिस जर्नी, एंड आई विल बी ट्रू टू यू लाइक टिल आई मेक कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब, या जब भी मैं जो भी करता रहूँगा। सो या जेन्युइनली हियर टू हेल्प यू आउट। Thank you so much for watching this video, and I have finally resigned. I am an ex-software engineer at Microsoft. See you in the next video. Kaafi amazing videos aati rahengi. Milte next video mein, tab tak ke liye.